अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय अनफिल्टर्ड यूके लाइफ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये है यूके की आइसक्रीम मैग्नम। मैग्नम पाकिस्तान की और यूके की मैग्नम में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो यूके की मैग्नम बहुत अच्छी है और इसमें बहुत डिफरेंट फ्लेवर्स भी हैं। और यूके आए और यहाँ का डिज़र्ट नहीं खाया तो ऐसा तो हो नहीं सकता। और आज मैं बना रही हूँ चिकन फजीता चीज़ पॉकेट्स, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और बने भी थे। इसके लिए मैंने प्याज को क्यूब्स में ले लिया, उसको मैंने सौते कर लिया था, उसमें मैंने बोनलेस चिकन ऐड कर लिया था और साथ मैंने इसमें डाला था टमाटर। आप लोग फ्रेश टमाटर भी ले सकते हैं, मुझे ये जो टिन है ये फिजिबल लगते हैं और ईजी टू लाइक यूज़ है। यहाँ पर हर कोई यही यूज़ करता है, मैंने भी यही ऐड किए थे। और इसमें मैंने डाला था साथ सोया सॉस ऐड की थी, लहसुन अदरक की पेस्ट भी थोड़ी सी ऐड की थी, वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। और इसमें मैंने ये सारे स्पाइसेस डाले, जिसमें नमक, अजीनोमोटो, इसमें मैंने लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, दरर मिर्च, काली मिर्च, ये सब ऐड किया था। और इसको मैंने अच्छे से भून लिया था। इसका की इंग्रेडिएंट इस डिश की शिमला मिर्च है, इसकी वजह से इतना टेस्ट एनहांस होता है और एक वो जो फजीता अफेक्ट है वो इसकी वजह से ही आता है। मैंने वो भी क्यूब्स में काट के रख लिया था, मैंने इसमें ऐड किया और इसको अच्छे से भून लिया। इसका जो पानी है या जो इसमें सोया सॉस और चिकन का अपना पानी है वो अच्छे से खुश्क होना चाहिए। दूसरी तरफ मैं इसके लिए सॉस बना रही थी जो शवरमा और पराठा रोल वगैरह के साथ भी यूज़ होती है। इसमें मायनीस ली, दही, नमक, काली मिर्च, दरर मिर्च और थोड़ा सा ऑयल, और ये डाल के इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना। कुछ लोग इसमें अंडा भी डालते हैं लेकिन मैंने अंडा नहीं ऐड किया था, मैंने सिर्फ यही चीज़ें ऐड की थी और इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। और ये आप बना के भी रख सकते हैं, जैसे ये जो गार्लिक सॉस होती है या गार्लिक मायो सॉस डिफरेंट जो शवरमा और पराठा रोल्स के साथ होती है ये वो यूज़ होती है। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी और आप इसको 1 वीक 10 डेज तक स्टोर भी कर सकते हैं। और दूसरी तरफ मैंने ये पीटा ब्रेड लिए, इसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया और सेंटर से काट लिया ताकि मैं इसकी जो हैं वो पॉकेट्स बना सकूँ दोनों तरफ। और जितनी भी अपनी चीज़ें हैं, चीज़ और चिकन का जो मिक्सचर है वो मैं इसके अंदर ऐड कर सकूँ। मैंने ये एस्ट्रा का चिकन चीज़ यूज़ की थी। मैं जितनी भी चीज़ें हैं मैं एस्ट्रा की यूज़ करती हूँ, जितनी भी खाने की चीज़ें हैं या और भी जितनी भी ड्रिंक्स, फूड या घर में कोई भी मैं क्रॉकरी या चीज़ें लाती हूँ, मैं सब चीज़ें एस्ट्रा की यूज़ करती हूँ, वो बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स उनकी होती हैं। मैंने इस तरह ये पीटा ब्रेड ली, इनकी पॉकेट्स बना ली, इसमें अच्छे से वो जो अपना मायो मिक्सचर था वो लगाया, चिकन चीज़, और ये बिल्कुल रेडी हो गए थे और ये बहुत टेस्टी बने थे। और फिर ये तो था नाश्ता, और फिर सोचा कि अब खाने में क्या बनाया जाए, तो मैंने फिर सफ़ेद चने बनाए क्योंकि वो मेरे चाचू को भी बहुत पसंद है और हमज़ा मुझे, हम लोगों तीनों को बहुत पसंद है। मैंने सिंपली चने जो थे उबलने के लिए रखे, उसमें मैंने नमक, हल्दी और सुर्ख मिर्च जो थी वो ऐड की, और मैं इसमें चिकन क्यूब लाजमी ऐड करती हूँ। मैंने वो चिकन क्यूब जो थी वो मैगी की वो भी ऐड की थी। उसके बाद जब चने उबल गए थे तो मैंने तड़का लिया, मैं प्याज और ये जितने खड़े मसाले और ये वाले मसाले मैं सब तड़के में ऐड करती हूँ, जिसमें मैं सूखा धनिया, दरर मिर्च, हल्दी, नमक, ये सब चीज़ें तड़के में ऐड करती हूँ। उसके बाद मैंने इसके ऊपर लगाया तड़का और मेरे चने हो गए थे रेडी। और फिर मैं और हमज़ा गए एक वॉक के लिए शाम की, कि चलो थोड़ा मौसम अच्छा है निकलते हैं। वहाँ पे हमज़ा ने फिर पिज्ज़ा लिया, उसको इंजॉय किया, घर आके हम लोगों ने खाना खाया, मूवी देखी और सो गए। यही थी मेरे दिन की रूटीन। होप यू लाइक माई व्लॉग्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे।